हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी का पराठा। यदि आपने अभी तक इस पराठे को ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस भी लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने भिंडी ली है, ये लगभग 150 ग्राम के बराबर भिंडी है और इसे मैंने इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी कट नहीं करना है, बस थोड़े से मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए, इस तरह कट करके ले लेना है। चलिए तो आगे की स्टेप स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने ले लिया है लगभग 2 छोटे चम्मच जितना तेल। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है और उसमें ये भिंडी मैंने डाल दी है। भिंडी को हमें हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक चलाना है, जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन ना होने लगे। इस तरीके से देखिए ड्राई भी हो गई हैं और हल्की सी गोल्डन भी होने लगी हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और साइड में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 छोटे चम्मच तेल फिर से डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम जीरा, 1 छोटा चम्मच जितना जीरा मैंने डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी हैं और 4-5 लहसुन बारीक कट करके डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, इनमें से यदि आप कुछ भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। साथ ही में हम भिंडी में नमक भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर नमक मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच। आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिए और अच्छी तरीके से हल्का हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेना है। नमक के साथ ही मैं भिंडी में नींबू भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, जिससे कि इसका चिपचिपापन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, 1/2 नींबू का जूस भी मैंने डाल दिया है। अच्छी तरीके से अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इन सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मसाले भी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने यूज़ की हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए 3 से 4 मिनट फिर से इन्हें फ्राई कर लेंगे, ताकि पूरा कच्चापन इसमें से दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। एकदम भिंडी ड्राई हो गई हैं और बिल्कुल और भी क्रिस्पी हो गई हैं। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो भिंडी को लगभग 10 से 15 मिनट लगे हैं ठंडा होने में। थोड़ा मीडियम गर्म रहेगा तब भी आप आटा लगा सकते हैं। 2 कप के बराबर मैंने रेगुलर आटा ले लिया है, जो कि हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। 1/2 प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिया है बारीक कट करके। 2 बड़े चम्मच जितना धनिया पत्ता डाल देंगे। प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप करें। नमक डाल देंगे, तो भिंडी में भी नमक डाला है याद रखें। 1 छोटा चम्मच नमक जो है मैंने आटे के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हल्के हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे पानी डालते हुए एक टाइट आटा, जैसा कि हम पराठे के लिए लगाते हैं वैसा आटा लगा करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आटे को लगाने में थोड़ी सी भिंडी के पीसेस यदि मैश भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नॉर्मल जैसा आटा लगाते हैं हम, उसी तरीके से आटा लगा करके रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे कवर करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1/2 घंटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। आटा अभी भी एकदम परफेक्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ है। अब हम इसकी बॉल्स तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप जिस भी तरीके का पराठा बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा ट्रायंगल स्क्वायर शेप, उस हिसाब से आटे की बॉल्स बना लीजिए। तो मैंने इस तरीके की बॉल्स यहाँ पे बना करके रेडी कर ली हैं। अब हम एक बॉल को लेंगे और उसका सबसे पहले सूखा आटा उस पर लगाते हुए एक लोई का शेप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा सूखा आटा ऊपर से डाल दिया है और इस तरीके से एक लोई का शेप बना लिया है। हल्का सा चकले पर टैप करेंगे और इसमें अभी भी हम सूखा आटा और लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह इसे बेल लेंगे। यदि आप चाहें तो ट्रायंगल शेप बनाएं या फिर नॉर्मली इसी तरीके से बेल करके भी आप गोल पराठे भी बना सकते हैं कम ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, ये देखिए इतने साइज़ का। अब हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि मैं ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ तो इस तरीके से बीच में आधे में मैंने ऑयल लगा लिया। आप पूरे में भी लगा सकते हैं। फोल्ड करने के बाद आधे पार्ट में फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं यदि पराठे में आपको घी का टेस्ट पसंद है तो। अब हमने सूखा आटा लगा लिया है, हल्के से इसे हाथों से दबा लिया है और इस अब हमें ट्रायंगल शेप में पराठा बेल लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली पराठा बेलते हैं। तो गोल नहीं घुमाना है, सिर्फ इसके साइड्स पे बेलन चलाते जाएंगे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल का शेप हमारा
बन जाता है। तो बहुत पतला भी नहीं बेलना है, पर फिर भी एकदम परफेक्टली बेल जाता है, बहुत मोटा नहीं रहता है ये पराठा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पराठा मैंने बेल करके रेडी कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला या मोटा भी ये नहीं है। गैस पे मैंने तवा पहले ही रख दिया था, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, 2 मिनट एक साइड पराठे को रहने दिया है, 2 मिनट बाद इसे पलट लिया है और नीचे वाले साइड भी इसे 1-1.5 मिनट रहने देंगे, जब तक ऊपर ऑयल लगा लेंगे या आप घी भी लगा सकते हैं। फिर से हम इसे पलट लेंगे, नीचे वाले साइड फिर से हम इसमें ऑयल या घी लगा लेंगे। मैं बहुत हल्का हल्का ऑयल लगाना पसंद करती हूँ, हल्का सा पराठे का फ्लेवर आए, बाकी का रोटी का वाला जो फ्लेवर है गेहूँ के आटे का और सब्जियों का वो भी आना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग तेल कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पराठे को मैंने यहाँ पे सेक लिया है, देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन अच्छा सेक गया है दोनों साइड से। लगभग 2.5 से 3 मिनट तक हमें पराठे को सेकना है और इसी तरीके से बाकी पराठे सेक करके हमें रेडी कर लेना है। तो एकदम परफेक्टली पराठा बन करके रेडी हो गया है और इसी तरह मैंने सारे पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं। देखिए कितने परफेक्टली हमारे पराठे बने हैं। बीच में ऑयल लगाने से इस तरीके से पराठे में अंदर लेयर्स आती हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत पतला बेला इसीलिए सिर्फ इसमें डबल लेयर आई हैं, 4 लेयर के पराठे भी आ जाते हैं यदि हम थोड़ा सा मोटा रखते हैं तो। एकदम परफेक्टली है, देखिए अभी ये गर्म है इसलिए क्रिस्पी है। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बताइएगा ज़रूर कि ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी।